अपनी तीन साल की बुढ़िया को दो सौ रुपये में बेचकर नशा कर नहीं नशा कर मुझे अभी थोड़े दिन पहले बारह साल के बच्चे के लिए फोन आया जहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं कि ये गांजा लेता है ये स्मैक लेता है बारह साल का बच्चा होता क्या ऐसा बारह नहीं बारह साल को याद करो ए? मैं आपको बताऊं क्या टेस्टिकल्स पे भी वो इंजेक्शन ले रहे हैं कोई वेन नहीं मिल रही वहाँ पे जाके एंड में ले रहे हैं एक स्नेक आता है जो ग्रीन कलर का होता है इतना छोटा तो बेसिकली उसकी बाइट को जीप पे लिया जाता है मतलब इतना गिर गया था हर जगह एक घर में चोरी करना कोई ऐसा घर का मैंने कोई सोना नहीं बचा होगा जो मैंने नहीं बेचा अपने घर अपने घर का प्रदीप जी आप मुझे ये बताइए कि जो ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है आपने क्यों इसकी शुरुआत की स्टोरी आज से शुरू होती है नियर अबाउट तारह साल पहले सेवेंटीन ईयर्स बैक ठीक है एक लड़का था जिसका नाम प्रदीप था जो यहाँ से गया चंडीगढ़ पढ़ाई करने वहाँ पे वो बीटेक करने के लिए गया वो बीटेक करने के वक्त पे पहले साल का समय था एक पी ग्रुप प्रेशर हाँ पे उसको अपने सीनियर्स दिखे और उसको एक हैपसा माहौल दिखा कि यार ये तो कुछ कूल cool सा चल रहा है यहाँ वो फ्लैट पे आए और एकदम से मैंने देखा कि वो तो बड़ा पार्टी वाले मोड में चल रहे हैं कोई बियर पी रहा है कोई विस्की पी रहा है कोई जॉइंट बना रहा है सर दो की बात दो हजार तब भी जॉइंट वगैरह कॉमन था हाँ हाँ सर कॉमन था तो ये कहानी वहाँ से शुरू हुई जहाँ पे मैंने ये सब कुछ देखा मैं इतना ज़्यादा करना नहीं चाहता था पहली बार मैंने हाथ में सिगरेट को पकड़ा मैंने कहा चलो यार मैं भी इनका एक पार्ट बनता हूँ एक पीयर प्रेशर की वजह से मुझे भी कूल दिखना था तो मैंने उनका पार्ट बना मैंने हाथ में सिगरेट को पकड़ा जैसे ही सर मैंने सिगरेट को पकड़ा तो मुझे लगा अब नशा होगा मगर ठीक था थोड़ी सी खांसी हुई ये हुआ हुआ शायद सही से मुझे सिगरेट भी नहीं पीनी आती थी तो उन्होंने बताया भैया इसको अंदर की तरफ लो अंदर की तरफ रखो और उसके बाद बाहर इनहेल करा इनहेल किया पहली बार सिगरेट को इनहेल किया थोड़ा सा कफ़ हुआ थोड़ा सा दिमाग घुमा मगर मजा सा आया हाँ। एक एडिक्ट की कहानी हमेशा वो पहली चीज़ से शुरू होती है हाँ। और वही उसी को वापसी ढूंढता रहता है अपनी ज़िंदगी हाँ। में कि वो मज़ा दोबारा है वो मज़ा दोबारा है वो मज़ा दोबारा है पता नहीं चला सर किस समय पे वो सिगरेट पहली बियर के ऊपर गई वो बियर पहली विस्की के ऊपर गई वो विस्की पहली भांग के गोलों के ऊपर गई वो भांग के गोले किस समय पे चरस पे गए किस समय पे वो चरस के साथ मेडिकल बीच में आया जहाँ पे कब सरप प्रोक्सी वन एन टेन करके ये सारी चीजें हुई उसके बाद किस समय पे कोकेन बीच में घुसी स्नेक बाइट्स बीच में घुसी आप ये लगा लीजिए एल करके एक ड्रग आता है अगर आप जानते हो सुना है तो वो एल कब उसके बीच में आई और ये तीनों चीजों का ऐसा मिश्रण सा बन गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मेरी जिंदगी के छः साल गए कहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ जैसे स्टार्टिंग में मैंने सिगरेट ट्राई करी मैंने हाँ, भी कर रखी है बिल्कुल वो तो तो मैंने स्टार्ट करा तो इनिशियली बहुत अच्छी नहीं लगती बट यू जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो हाँ जी तीन बार बैठे पार्टी सीन हुआ दारू के बाद एक बार पीली जब वो धीरे धीरे आदत पड़ती है तो वो जो कहते हैं ना एक आपको लगने लगा कि मैं एडिक्शन में आ गया कौन से ईयर में लगा सर आप ये समझिए भाई मैं आपको बता रहा हूँ मुझे पता ही नहीं चला किस समय पे मैं खिंची जा रहा था खिंची जा रहा था खिंची जा रहा था इसी से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ हमारे अंदर ना एक चीज रिलीज होती है उसको हम डोपा कहते हैं तो ये क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि आपके शेर के मुंह पे खून लग गया hmm. जैसे ही शेर के मुंह पे खून लग गया उसके बाद वो रुकता नहीं है एट दी एंड ऑफ द डे जब एक्सट्रीम हो गया हाँ अब लगा कि कंट्रोल नहीं हो रहा राइट राइट आपकी विल पावर पे जब कंट्रोल खत्म हो गया तो फिर क्या हुआ सर जब मैं था तेईस साल का हाँ ठीक उस समय पे स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब मैं खुद था ही नहीं। मतलब वो प्रदीप का जो लड़का सतारा साल की उम्र में बीटेक करने के लिए गया था उसका वन परसेंट अंश भी नहीं बचा सब कुछ खत्म हो चुका है मतलब मैं वो इंसान हूँ कुछ नहीं।, कुछ, नहीं। कुछ नहीं लेना देना ना परिवार से कुछ लेना देना ना समाज से लेना देना ना आध्यात्मिकता बची है ऐसे से uh, सर पैसे बड़ी सिंपल सी चीज है फादर साहब फादर से uh, फादर साहब साहब से है भैया देते रहते हैं हम लोग लेते रहते हैं जिस समय पे उनको पता चला है पता आया कि आप एडिक्शन बिल्कुल पता चला सर पहले मैं तो बाहर रह रहा था ना बॉर्न बोर्डर दिल्ली में रहता हूँ जिस समय पे मैं वापसी दिल्ली पहुंचा

दारू तो मैंने ट्राई करी है ठीक mm. mm. है, है। वगैरह मैंने ट्राई जब हम कहते हैं कोई भी बाकी ड्रग्स के बारे में, हीरोइन, हाँ, mm. इसमें से आपको क्या लगा सबसे ज्यादा कौन सा है? मतलब बहुत परेशान कर दे बंदे को छोड़ने के लिए इट्स वेरी ड्रग होता है अफगानिस्तान में जो एक पौधा सा लगता है ओपीएम का हाँ। जो स्मगल होता है जिसकी वजह से आज के दिन पूरा पंजाब खत्म हो चुका है हम कहते हैं ना पंजाब हाँ, हाँ, हाँ। 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 वो एक प्लांट है बेसिकली बिल्कुल प्लांट।, प्लांट को लेके किस फॉर्म में होता है सर उसमें केमिकल्स मिलाते So, okay, उसको, उसको और ज्यादा प्योरीफाई करते रहते करते रहते करते रहते आप ये लगा लीजिए आज के दिन भी भारत के अंदर पुलिस की खेती चल रही है जिसको मेडिसिन कोई भी आप मेडिसिन ले लेंगे अवेलेबल है जो साइकेट्रिक uh, मेडिसिन किसी भी तरीके की होगी है ना मगर ये जब रॉ फॉर्म में लिया जाता है विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दी डॉक्टर लिया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है इससे ज्यादा खतरनाक एडिक्शन किसी चीज का नहीं है सबसे ज्यादा एडिक्टिव माना जाता है ओपी महंगा आता है सर आप ये लगा लीजिए ये आज के दिन में केमिकल्स मिला मोलू के एक छोटी सी उसकी सौ ग्राम की जो हम लोग कहते, कहते हैं गांठ कहते हैं बच्चे इस चीज़ को तो वो मिल जाती है नियर अबाउट तीन सौ चार सौ रुपये तो बहुत महंगा नहीं नहीं बहुत महंगा नहीं और ये जो पंजाब में बहुत फेमस है जिसको चिट्टा हाँ। वो चिट्टा एग्जैक्ट इसका थोड़ा सा प्योरीफाइड फॉर्म है

हाँ जी तो कहानी में ये है कि उन्होंने अपने एक एजेंट को एल्कोहल के अंदर मिला के दी उसको चेक करने के लिए कि सबसे एडवर्स सिचुएशंस के अंदर ये केमिकल बनाया उन्होंने सबसे एडवर्स सिचुएशंस के अंदर वो किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेगा और सर हुआ क्या विद इन सेवन डेज वो कुछ ट्वेंटी फ्लोर पे रहता था उसने वहाँ से छलांग मार के सुसाइड कर दिया ये इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये आपको बेसिकली इसकी अगर बैड ट्रिप हो जाए बी टी हो जाए तो आपके एक इंसान के दिमाग को खत्म कर देती बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म कर देती है आप एलुसिनेट करना शुरू हो जाते हैं आपको कुछ भी दिखना शुरू कर देता है बड़े सारे लोग बोलते हैं जो एक बड़ी गलत चीज़ है कि मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया मगर उनको होश ही नहीं है कि वो लाइफ कैसी हो चुकी है आज के दिन वो इसको पार्टी ट्रिप क्यों बोला जाता है बैड ट्रिप हो गए गुड ट्रिप में क्या मतलब लाइक म्यूजिक में मजा आता है हम सर एक एनर्जीली फॉर्म होती है ऐसा एक एडिक्ट को लगता है वो एनर्जी में वो डांस करना शुरू हो जाता है वो एंजॉय करना शुरू हो जाता है जो गुड ट्रिप अगर अच्छे लोगों के बीच में आप बैठे हो तो आप कहते हो भैया गुड ट्रिप है बड़ा अच्छा ट्रिप हो गया उसमें आपको अलग अलग चीज़ें देखनी शुरू हो जाती हैं एक जो आप चाह रहे हैं बेसिकली लाइफ की जो भी आपकी वो चीज़ें हैं उसको केमिकल्स फॉर्म कर देते एंड ऑफ द डे ये एक अलग दुनिया में लेके चली जाती है जो हमारी दुनिया से अलग है जिसको बड़े बुरे तरीके से एडिक्स ने ग्लोरीफाई किया हुआ है विच इज वेरी रॉन्ग सबसे महंगा ड्रग जो मार्केट में इस टाइम है वो, वो आपके हिसाब से क्या है

एम डी एम ए होगी ये सबसे ज्यादा महंगी माने और ये आखिरी ड्रग के बारे में बात करेंगे बताया हाँ जी तो स्नेक बाइट में क्या करते हैं लिटरली कोई भी पॉइजनस स्नेक के में हाथ डाल देते हैं और वो आपको बाइट कर तो सर, सर। एक स्नेक आता है जो ग्रीन कलर का होता है इतना छोटा तो बेसिकली उसकी बाइट को जीप पे लिया जाता है उसकी बाइट को जीप पे लिया जीप पे लिया जाता है ऐसे बाइट कराया जाता है ऐसा नहीं कि आप मरेंगे पहले दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है पहली चीज ये ध्यान रखना होता है कि आप का कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है ऐसा तो नहीं है वैसा तो नहीं है उससे हार्ट अटैक आके इंसान मर सकता है बट ये कोई कोई मेडिकल बंदा तो देता नहीं होगा नहीं सर ये सब कुछ इलीगल मार्केट है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है किसी को हार्ट अटैक आ गया कोई मर गया सरते हैं क्यों नहीं मरते बिल्कुल मरते। जो में हम सुने तो दो तक होशी नहीं आना एक तरीके से आप बैठे ही हुए और कुछ भी नहीं तो उस तरीके की है। इंडिया में बहुत सपोर्टर्स हैं इस चीज के लीगल करो वीड इज गुड वीड इज गुड आप तो इससे जा चुके बिल्कुल ठीक है तो पहली बात तो जो इंडिया में वीड मिलता है क्या वो हमें प्योरिफाइड फॉर्म मिलेगा और दूसरा वट इज योर ओपिनियन कि आप एडिक्ट से ऑलमोस्ट डेली नए नए लोगों से मिलते हो इसको लीगलाइज इंडिया में करा जा सकता है इंडिया की सिचुएशन में तो आप जहां पे उसको इसमें इसको कहते गेट वे टू ड्रग्स बीट को और हैश को गेट वे टू ड्रग्स कहते हैं हाँ. कोई भी बच्चा शुरू करेगा अगर आप देखेंगे स्मैक हो गया हेरोइन हो गया कोई भी चीज होगी जो खतरनाक ड्रग्स के अंदर आता है ना वो सब कुछ शुरू से हुए होंगे गांजे के या चरस के पफ से दूसरी चीज सर बिल्कुल ही केमिकल गांजा मिलता है ये तो मिलती नहीं है हाँ हैश तो यहाँ पे मिलती नहीं है सारी बाहर चली जाती है कुछ बच्चे ऊपर से पार्वती वैली वगैरह कहते हैं कसौल वग़ैरह बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं तोश करते हैं ये हाँ, कर वो हाँ। करते हैं तो वहाँ से लेके आ जाते हैं थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं और सब कुछ करते हैं एंड ऑफ दी डे सर एडिक्ट के लिए ये शाप है हम बात यहाँ पर एडिक्ट की कर रहे हैं आप है मैं हूँ आप अगर दो खुद शराब के पियेंगे आपको पता है कि आप अपने आप को उस चीज़ पे रोक लेंगे एक एडिक्ट बॉटल का ढक्कन खोलना जानता है बंद नहीं करना जानता वो हर किसी के लिए सिर्फ मैं शराब की बात नहीं कर रहा वो सोशली एक्सेप्टेड है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग रिलेट कर पाएंगे है तो उसको ढक्कन खोलना आता है बंद करना ही नहीं आता उसको so बंद करना नहीं आता भगवान ने निवर तो एक ही दिए है शरीर तो वही बनाया हुआ है ना तो आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो एक ट्रैप के अंदर फंस फंस गए गए जिस दिन उसके बाद आपके पास निकलने का का कोई रास्ता ही तो जैसे एडिक्शन एडिक्शन बढ़ रहा है रेट एवरी ईयर इट्स राइट पंजाब खराब हुआ उस पर उड़ता पंजाब पर हमें हमने न्यूज में देखा डेली में भी बहुत बुरा हाल है मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ये चीज बढ़ रही है लेकिन है इलीगल बिल्कुल तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है जो ये डीलर होते हैं ये तो इस पे आपको लगता है कि कुछ स्ट्रिकनेस इजीली अवेलेबल है सर बहुत इजीली अवेलेबल है बहुत एजी 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 है।, है सर एक पैरल चीजें चल रही हैं इस चीज़ के अंदर एंड ऑफ वगैरह कुछ के बाद भी सर, सर आज के दिन ज्यादा जाप क्योंकि जो मेरे पास पेशेंट है वो तो विक्टिम है ना सर हाँ। मेन दिक्कत क्या है जो बेच रहा है वही है ना हाँ। कल्प्रेट हाँ। तो विक्टिम और कल्प्रिट के अंदर फर्क समझ पा रही है पहली चीज तो ये चीज़ है ना जहां वो फर्क समझ पा रही है वो आके पूछे तुम्हें मिलते ही कहाँ से है भैया हम जाके उसको वो करेंगे तो एक्टिव हो रहा है जो ये नई गवर्नमेंट्स आ रही है इस पे काम हो रहा है मगर सर आप समझिए ड्रग का पैसा कहाँ पे जाता है टेररिज्म के अंदर जाता है सिंपल सी बात है इसलिए स्पेशल सेल के अंडर आ चुके हैं या फिर हम मैं बोलना नहीं चाह रहा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है ना मगर जहाँ पे भी जा रहा है आ, बड़े सारे लोगों को फायदा हो रहा है तभी ये अवेलेबल से वरना अवेलेबल हो नहीं सकती ये तो एक पूरी है ना सर उसके बगैर तो एडिक्ट के साथ ना हम लोग एडिक्ट करते रहते हैं उसका एक परिवार जुड़ा होता है जिसमें चार लोग और जुड़े होते हैं ना जिसमें दो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी परवरिशी खत्म हो गई पता ही नहीं चला उनके वो कब बड़े हो रहे हैं का साया ही नहीं है एक वो औरत होती है जिसको डर लगा रहता है हर वक्त सहमी रहती है कि भैया मेरी अभी पिटाई हो जाएगी मैंने कुछ कह दिया तो ये हो गया तो वो हो गया एक बूढ़े माँ बाप होते हैं जो बच्चे की ज़िद्द पे हर वक्त पैसे निकाल के देते जा रहे हैं उनको ये नहीं पता कल को मेरी मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर कल को मेरी सांस ही रुक जाती है तो हॉस्पिटल लेके जाके किस तरीके से होगा तो ये जो एक पूरा परिवार होता है ना सर एक एडिक्ट की वजह से बर्बाद होना शुरू हो जाता है सबसे ज्यादा एडिक्ट कौन से नशे से आता है सर आप बड़े हैरान होंगे इस चीज़ को सुन के सबसे ज़्यादा सिक्सटी परसेंट ऑफ द पेशेंट्स आर एल्कोहलिक्स एल्कोहलिक्स हर तरीके के लोग आप इसने किसी को नहीं छोड़ा मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर्स रहे हैं ओके okay. मेरे पास यहाँ पे एस एच ओ लेवल के पेशेंट्स रहे हैं तो यहाँ पे कोई नहीं है इसने किसी को नहीं छोड़ा सर जितना मर्जी इंटेलेक्चुअल हो जो मर्जी हो जैसा मर्जी हो मेरे पास सिंगर्स आए हैं तो जब एल्कोहल का कोई एक्सट्रीम केस मेरे को बताओ आपके पास आया हो और उसको संभालना बड़ा मुश्किल है मैं आपको बताऊँ सर so, एल्कोहलिक्स में क्या होता है जब विड्रॉल सिम्टम्स विड्रॉल सिम्टम्स को थोड़ा सा समझाते हैं हम लोग पहले विड्रॉल सिम्टम्स सबको समझ नहीं आती क्या होता है जैसे ही कोई पेशेंट मेरे पास आता है उस समय पे उसका नशा तो छूट गया ना उसको अगर एल्कोहलिक एल्कोहल alcohol नहीं मिल रहा किसी भी प्रकार का नशा उसको नहीं मिल रहा तो उसके शरीर में एक प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है जहाँ पे वो खून वापसी नशे को मांगना शुरू हो जाता है जिसको हम हिंदी में टूटन कहते हैं इंग्लिश में उसको विदॉल सिम्टम्स कहते हैं कि एक हीरोइन एडिक्ट है उसको कोल्ड टर्की हो जाएगी कोल्ड टर्की में क्या एकदम से ठंड लगनी शुरू हो जाएगी एकदम से गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी उसके पैर दुखने शुरू हो जाएंगे ऐसा लगेगा भैया मेरे पैर काट दो तो किसी तरीके से बस मुझे ये दर्द नहीं सहन हो रहा है ना आप ये समझिएगा एडिक्ट के अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि उनके अंदर खुद से एक हीन भावना चल रही है दे नो कि मैं सोसाइटी में कहीं पर फिट नहीं हो रहा तो वो हीन भावना को कम करने के लिए वो अपने आसपास की पूरी दुनिया को गंदा बोलना शुरू कर देते हैं हम्म में शक की बीमारी सबसे ज्यादा होती है शक की बहुत बहुत बीमारी होती है शक की बीमारी बहुत खतरनाक होती है जहां पे ऑब्वियसली मेरे सामने एक इंसान है और वो मेरे को झेल रहा है बुरे तरीके से मैं एक तो मुझे झेल रहा है मेरी मार भी झेल रहा है मेरी पिटाई भी झेल रहा है सब कुछ झेल रहा है तो मैं कहीं ना कहीं तो जानता हूँ मैं गलत हो hmm. अंदर कोई ना कोई कोना तो जिंदा है ना तो वहां पे जब वो दूसरा इंसान मेरे सामने होता है तो मैं उसको गंदा बनाना शुरू कर देता हूँ मैं ऐसा कर देता हूँ कि नहीं तू घटिया है तू तू गंदा है तूने ये किया होगा तूने वो किया होगा अपने आप से अपने दिमाग में लगाते हुए ये सारी चीज़ें मैं करना शुरू कर दूँ दूसरे तो जब एलुसिनेशन में आते हैं लोग कहते हैं मैंने देखा है कि सामने कहता है मेरी वाइफ बैठी है वो किसी के साथ है ये हो रहा है वो हो रहा है कुछ नहीं है यहाँ पे उसके अंदर

एल्कोहलिक में सबसे ज़्यादा खतरनाक केस क्या देखते हैं जब वो हेलुसिनेट करते हैं जब वो एलोसिनेशन में आते हैं बावलापन में आते हैं तो एक स्टेज आती है जब वो खाना खाते हैं तो उनके जो विंड पाइप है उसके अंदर अटक जाता है सर इसकी वजह से अधिकतम मौतें देखिए कितनी छोटी चीज़ है कितनी छोटी चीज़ है उसकी वजह से अधिकतम मौतें होती हैं विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर एडिक्स की एल्कोहलिक्स की मान लो कि मैं बहुत सालों से दारू पीता आ रहा हूँ अन पीता आ रहा हूँ और मैंने दारू पीनी छोड़ दी

मेरे पास वो लोग आते हैं जो आज के दिन मौत के बिल्कुल करीब है जिसको हम क्रोनिक स्टेज कहते हैं लास्ट स्टेज लास्ट टेज। क्योंकि परिवार कभी भी बच्चे को अपने से दूर नहीं जाने देता सर मैं आपको एक्सट्रीम केसेस की बात बताऊं तो मुझे अभी थोड़े दिन पहले बारह साल के बच्चे के लिए फोन आया जहां पे वो मुझे कह रहे हैं कि ये गांजा लेता है ये स्मैक लेता है बारह साल का बच्चा होता क्या है बारह साल को याद करो मेरे बारह साल को याद करो वो जो एक वो सूंघने वाला होता है आपने भी देखा होगा अगर आप गाड़ी चला रहे हैं है। तो भीख मांगने के लिए बच्चे आते हैं हाँ। जिनके हाथ में एक पॉलिथिन होता है हाँ। या फिर एक रुमाल सा होता है वो हाँ। वो रुमाल को हर वक्त सूंघते 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 रहते सुंगते नहीं। नहीं। रहते सुंगते रहते हैं 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 उसमें करते वीडियो वायरल हुई वी ना कमलेश ऐसे सूंघता बिल्कुल 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 सर में ही नहीं सकता मैं अठारह साल से के बच्चे को रख रखी लेकिन केसेस तो होते होंगे एडिक्ट बच्चे होते होंगे बारह तेरह के भी बारह तेरह चौदह साल के होते हैं ये तो एक केस बता रहा हूँ

मुंह के ऊपर है ना आप ये समझिए एक एडिक्ट को एक स्मैक वाले लड़के को जिसको हम स्मैकिया कहते हैं उसको पुलिस अपने थाने में दो घंटे रख के राजी नहीं है उसको पता है भी डॉल में जाएगा मर जाएगा मेरे ऊपर केस आ जाएगा हम हमें फोन करते हैं भाई साहब बचाओ इनको लेके जाओ हम थाने से लेके आते हैं सर पेशेंट्स को हमारी वो लोग लो मदद करते हैं कि भैया ये करो करो हमें मतलब हमें हैंड इन हैंड चलते हैं पुलिस वालों के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है उनको पता है दे आर डूइंग समथिंग गुड वरना कौन करता है पुलिस वाले किससे दोस्ती करते गवर्नमेंट तो तो उसके लिए लाइसेंस दे लाइसेंस देने का मतलब क्या मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ तभी मेरे गवर्नमेंट इसमें आपको हेल्प भी करती है एट भी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल फिर अलग अलग स्टेजेस होती हैं उन स्टेजेस पे करती है मगर स्टार्टिंग हमें खुद ही कर स्टार्टिंग स्टार्टिंग हमें खुद ही करनी पड़ती है सारा का सारा एक्सपेंस हमें खुद ही हैंडल करना पड़ता है ये चीज़ सर पैशन के साथ होती है पैशन के बगैर कोई नहीं करता और आप तो इससे निकले बिल्कुल तो सर आपको कोई भी ऐसा सेंटर नहीं मिलेगा जो एक ना चला रहा मतलब साइकेट्रिक द्वारा दी जा रही है और उसके विड्रॉल सिम्टम्स खत्म हो रहे हैं अब तो हम समझ गए होंगे विड्रॉल सिम्टम्स क्या होता है रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि वो दोबारा नशे की तरफ ना जाए आपने डी एडिक्शन कर दी वो वापसी जाके नशा कर रहा है बीस पच्चीस दिन बाद फिर वापसी क्या है दो सौ रुपए में बेच रहा था नशा करने नशा था ये नहीं कि वो कोई सेक्स वर्कर बनाना चाह रहा था वो एक परिवार था बड़ा अच्छा सा वो कह रहा था कि भैया इसको को ले जाओ यार मुझे नहीं चाहिए मेरे से नहीं होता बीवी छोड़ के जा चुकी है सब कुछ के जा चुकी है मैक की पुड़िया चाहिए थी और कोई नीड नहीं थी वो बेच रहा था बच्चे को बेच रहा था मां बाप को पता चला लेके गया हुआ था पता ही था ढूंढा ढूंढा ये किया वो किया उन्होंने रिहेबिलेशन सेंटर के अंदर डाल चौबीस साल का बच्चा मेरे पास आया ट्वेंटी फोर ईयर्स ट्वेंटी फोर ईयर्स कोई भी एज नहीं होती पिछले एक साल से उस परिवार से मेरी बात चल रही थी कि उस पेशेंट को भेजना है एंड में वो लिवर सिरोसिस की स्टेज पर आ गया जहाँ पे एट्टी फाइव परसेंट लिवर डैमेज हो चुकी परिवार ने मुझे ही नहीं पता और ऑब्वियसली आते ही मेडिकल टेस्ट होते दूसरे तीसरे दिन में ही हमने डिटेक्ट कर लिया साथ के साथ उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया सर हॉस्पिटल से वो बच्चा वापसी नहीं आ पाया एल्कोहल की वजह से 24 साल के लड़के की लिवर डैमेज होने की वजह से मौत हो गई डॉक्टर ने बोला सत्तर लाख रुपए का इलाज है लिवर ट्रांसप्लांट का कैसे कराएगा करा ही नहीं सकता इजीली कोई मिडिल क्लास करा नहीं सकता सर करा ही नहीं सकता तो वो जो इंजेक्शन लेते हैं अपने खून के अंदर वो इंस्टेंट किक के लिए लेते हैं कि यार अब मुझे बड़ा नशा हो जाएगा जो ओवर डोज से आपने सुना होगा कि लोग ऐसे के ऐसे ही मरे रह गए पंजाब के अंदर सब इंजेक्शन सर आज के दिन तो, में तो आज सबसे चिट्टा है चिट्टे को इंजेक्ट करना शुरू हो गया बहुत ही खतरनाक मैं लोगों के हाथ कटते देखे हैं पैर कटते देखे है मैं आपको बताऊं क्या टेस्टिकल्स पे भी वो इंजेक्शन ले रहे हैं कोई वेन नहीं मिल रही वहाँ पे जाके एंड में ले रहे हैं मेरे पास बच्चे आते हैं उनके वेन्स नहीं मिलते खून के लिए छोटे छोटे बच्चे मतलब बीस साल बाईस साल के सबसे वर्स्ट पार्ट सुनिए सर दूसरा मेक्सिको बन चुका है दस में से चार मेरे पास आ रहे। एक दूसरे से कौन सी दिक्कत है पैसों की तो वैसे कम ही कमी है तू लगा मैं लगा एच आई वी पॉजिटिव ऐसा फैला हुआ सर ऐसा फैला हुआ से रखा जाता है अलग रखते हैं आप या नहीं रखते अलग रखते हैं सर, सर उनको अलग तरीके से हम लोगों ने एक रिहाब सेंटर बनाया हुआ हमें जो उन्हीं के लिए है। कोई भागने की कोशिश भी करता है आपके साथ हुई निकलने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल सर देखिए मैं जब एक पेशेंट को यहाँ पे लेके आता हूँ तो वो उस हालात में है जहाँ पे वो सोचने की क्षमता में है ही उसकी जो सबसे प्यारी चीज उसके माँ बाप से ज्यादा प्यारी चीज उसका नशा मैंने उससे छीन लिया ऑब्वियसली वो हर तरीके की कोशिश करता है इसको प्यार से है ना हाँ मतलब एग्रेसिव होते हैं बिल्कुल एग्रेसिव। मारने की कोशिश करते हैं ऐसा केस, केस हुआ था। बहुत सर मेरे जो स्टाफ है उनकी पिटाइयाँ करी हैं इन्होंने मैं क्या कर सकते हैं रोकना तो इज नो वे टू इट अगर मैंने एक पेशेंट को लेने से मना कर दिया तो मतलब मैं डेथ वारंट साइन कर रहा हूँ मेरे बात वो किसी और के पास जा नहीं सकते मेरा मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ हमारी पूरी जो एक लाखों भाई साथ में मिलके चल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं अकेले की बात कर ही नहीं रहा यहाँ पर है पे ना कोई और बंदा इस चीज़ में काम नहीं करता कोई कीचड़ में नहीं घुसना चाहता आप एडिक्ट एक वो पर्सनैलिटी है जब गली से निकलते तो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं वो चल शराबी जा रहा है चल नशेड़ी जा रहा है तो इधर हो जाए तो धीरे धीरे, धीरे रिहेबिलिटेट किया जाता है एंड स्टीज क्या है आप ये समझिए सबसे पहला है उसको एक एडिक्ट के अंदर नियमों की कमी होती है नियम का मतलब आप क्या समझते हैं मैं आपको समझाता हूँ मेरा क्या मतलब है कि भैया शरीर पे एक घंटा काम करना आपने माशाल्लाह बढ़िया बॉडी बनाई हुई है तो आप अपने शरीर पे टाइम दे रहे हैं ना आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है हाँ। शरीर के ऊपर काम करना दूसरी चीज अपने परिवार के ऊपर काम करना ठीक है तीसरी चीज समय पे उठना समय पे सोना समय पे खाना है ना कुछ अच्छी चीजें करना किसी की मदद करना ये नियम कहलातेडिक्ट के जिंदगी से सब कुछ ये सब छोड़िए पंद्रह पंद्रह दिन तक नहाते नहीं है एडिक्ट तो समय पे नहाना भी इसका पार्ट है ब्रश करना भैया दिन में दो बार तो आप हर चीज को डिसिप्लिन में लाते हैं कि नहाना है टाइम पे एक्सरसाइज करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा यहाँ पे मतलब आप वर्कआउट वर्कआउट या जिम्स वगैरह है मतलब है सब कुछ है। तो सबसे पहली चीज है नियम जहाँ पे वो जिंदगी का मतलब समझे दोबारा से उसके बाद है प्यार प्यार का मतलब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडिक्ट हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉसिबिलिटी देना आपके लिए अभी एक कार्ड बनाया हमने बड़ा खूबसूरत वो एक एडिक्ट ने बनाया उसकी रिस्पांसिबिलिटी तो हम मान्य मम्मी पापा से बात करें क्योंकि उन्होंने हैंड ओवर करा आपको राइट ठीक है अब उनका मन है घर पे बात करने का राइट right. तो कर सकते हैं कर पाते हैं नई घर वालों से थोड़ा टाइम अवॉइड करते हैं बात कराना क्या प्रोसेस देखिए स्टार्टिंग का जो फेज है हमारा विड्रॉल सिम्टम्स का ठीक है वो बड़ा ही एक खतरनाक स्टेज होता है जिस समय पे जैसे हॉस्पिटल में आप आईसीयू लगा लीजिए उसी तरीके से यहाँ पे भी ये स्टेज होता है जो मैक्सिमम चलता है थर्टी डेज उस समय पे एडिक्ट में बहुत सारी परेशानियां होती हैं जैसे कि एकदम से इमोशनल हो जाना इमोशनल ब्रेक डाउन होना काउंसलिंग्स की अधिकतम जरूरत पड़ती है सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो उस समय पे हम अवॉइड करते हैं फैमिली से कॉन्टैक्ट मोबाइल फोन वगैरह रहते हैं सर मोबाइल फोन अलाउड नहीं है अच्छा नहीं मोबाइल फोन अलाउड नहीं है क्योंकि सर आज के दिन अगर आप समझेंगे तो मोबाइल फोन से ज्यादा एडिक्शन कोई है ही नहीं तो मुझे बच्चे के ऊपर काम करना आपको मैं इसको ना एक अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको उससे बेटर समझ आ जाएगा आज से पीछे चले जाइए रामायण के समय पर चले जाइए आप देखिए तो उस समय पे गुरुकुल होते थे तो ये भी एक गुरुकुल ही है और कुछ नहीं है जहां पे एक आश्रम एक गुरुकुल समझ लीजिए जहाँ पे एक पेशेंट को वापसी रिहेबिलिटेट किया जा रहा है वहाँ पे उनको दीन दुनिया को छोड़ना पड़ता था अपनी जिंदगी को बनाने के लिए यहाँ पे इनको दीन दुनिया को छोड़ना पड़ता है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मेरे ऊपर चाकू से भी अटैक हुआ है सेंटर सेंटर पे से बाहर जब पेशेंट को हम लोग लेने के लिए गए हुए थे एक जगह पे तो वहाँ पे उसने अपने परिवार को ऊपर ऑब्वियसली जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज होती है वैसे सर्विसेज होती है उसने अपने परिवार के ऊपर चाकू चलाने की कोशिश करी तो मैं थोड़ा सा आगे आ गया सेव करना ही करना तो मेरे हाथ के ऊपर नहीं चाहेंगे तो करते -करते, वो इजीली तो आते नहीं है नहीं वो आते नहीं। जब वो आप यहाँ ले आते हैं एक जैसे एम्बुलेंस कह रहे हैं आप एम्बुलेंस पे लेके आते हैं लेके आने के बाद जैसे आपने बोला कि इनिशियल आपको मेडिकेशन देते हैं वो एक प्रोसेस थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेगी कैसे ठीक हूँ जैसे मेरे पास एक फोन आया फैमिली से कोशिश हम यही करते हैं कि फैमिली पेशेंट को यहाँ पर लेके आ जाए नाइन्टी परसेंट केसेज में यही चीज़ होती है कि फैमिली का काम है यहाँ पे लेके आठ ठीक है टेन परसेंट केसेज है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि बच्चा मर सकता है कुछ भी हो सकता है तो वहाँ परिवार की मदद से हम लोग यहाँ से एक एम्बुलेंस को बेचते हैं जिसके अंदर हमारे दो स्टाफ होते हैं और साथ में परिवार के जो भी लोग हुए आस पड़ोस को भी इकट्ठा कर लेते हैं उनका काम है पेशेंट को लेके आना यहाँ तक उसके बीच में जैसे ही यहाँ पे बाहर आ गई हमारे गार्ड्स आते हैं पेशेंट को अंदर लेके आते हैं और उसके सीधा डिटॉक्स के अंदर पेशेंट को भेजा जाता है जहाँ पे उसको साइकेट्रिक uh, के थ्रू विड्रॉल को निकालना शुरू करते हैं साइकेट्रिस्ट आपके पास रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर इनिशियल फेज आपने बताया कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चलता है वो कितने दिन का चलता है उसमें दवाइयां इंक्लूडेड होती वो दसर, है कितने टाइम तक चलता है सर कम से कम फिफ्टीन डेज ज्यादा से ज्यादा थर्टी डेज थर्टी डेज उसके बाद क्या रहता है सर उसके बाद हम लोग ना रिफॉर्मेशन के ऊपर आ जाते हैं वो क्लासेज होती हैं काउंसलिंग क्लासेस होती है योगा मेडिटेशन होता है पूरे दिन के अंदर मैं आपको कुछ क्लासेस का उदाहरण देता हूँ जैसे पेशेंट हमारे पास यहाँ पे सुबह उठते हैं उठने के बाद सात साढ़े सात बजे के करीब उनका वेकअप होता है वेकअप होते ही उनको नहाना है सबसे पहले ब्रश वगैरह जो भी अपना करना हो मतलब जैसे आर्मी डिसिप्लिन होता है हो कुछ नहीं होता अच्छी डिसिप्लिन की कमी थी तभी ये सारी चीजें होनी शुरू होगी ना बेल होती है बेल सिस्टम होता है बेल के ऊपर बच्चों ने उठना टाइम स्कूल होते हैं जैसे ब, 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 अपने ये बोर्डिंग स्कूल होते हैं उसके बाद ये होते हैं धीरे धीरे बाहर जाना शुरू करते हैं इनके हाथ में पैसे दिए जाते हैं ये आके शेयर करते हैं तो ये एक बड़ी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है जो एक रिकवरी के अंदर निकाल बड़ा खूबसूरत ट्रीटमेंट बना हुआ तेरा डाइट आपने बोला जब खाना होता है इनकी डाइट अलग रहती है नॉर्मल जो हम अपना सब सब

मैंने 22 साल की रिकवरी 22 साल नशे से दूर लोगों को रिलैप्स होते हैं मेरे असल बर्थडे इसको कुछ नहीं मानते रिकवरी बर्थडेज मेरा है सिक्सटीन जनवरी पिछले जो सिक्सटीन जनवरी गई है उस पर मैंने ग्यारह साल कम्प्लीट किए हैं इन रिकवरी तो उसको हम लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं जो शादी के बराबर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारी ज़िंदगी की दूसरा जन्म है जब मैं ट्वेल्थ बारह साल का था तो मैं नशे में पड़ चुका था ना गिर गया था हर जगह एक घर में चोरी करना कोई ऐसा घर का मैंने कोई सोना नहीं भाई बचा होगा जो मैंने नहीं बेचा अपने गर? अपने घर घर का मतलब हाँ। और फाइनेंसर से पैसे लेना मेरे ब्रदर का इवेंट की कंपनी थी उनके साथ लगना लॉस वगैरह इतने हो गए थे मेरे मतलब एक कुछ मतलब फील नहीं होता था कि यार कोई अगर मार भी रहा तो नशे में पता ही नहीं चलता था स्मैक के लगना लग गया अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गिरावटी आ रही थी घर से मैं पैसे चोरी करने लग गया था कभी अपने सिस्टर से मांगने लग गया था रिश्तेदारी सब खत्म हो गई थी और आपकी शादी कैसी चल रही थी उसके बाद जब नशा शुरू करा था ये तो वाइफ मेरे को छोड़ के गई थी छः सात महीने के लिए क्यों तो उन्होंने मुझे कसम दे दिया जब तक ये नशा आप करोगे तो मैं वापसी नहीं आऊँगी